Hi guys, this is me Ashi and welcome to the Glam World. This is my first YouTube video, so I hope आपको पसंद आए. इसमें मैं शेयर करूँगी आपके साथ पांच अपने प्रोडक्ट्स जो कि मेरे ऑल टाइम फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं. चाहे वो सर्दियाँ हों चाहे वो गर्मियाँ हों, मैं इनको हमेशा यूज़ करती हूँ. ऐसा नहीं है कि कुछ प्रोडक्ट्स मैं सिर्फ सर्दियों में यूज़ करती हूँ तो हम उनको गर्मियों में यूज़ नहीं कर सकते. तो आइए मैं शेयर करती हूँ आपके साथ अपने पाँच प्रोडक्ट्स. जो मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है एक लिप बाम द लैनेज, ये देख सकते हैं आप. जी, वैसे जो लिप बाम है और भी काफ़ी अच्छे ब्रांड के, काफ़ी अच्छी कंपनीज के आते हैं, पर जब से मैंने ये वाला स्टार्ट किया है, ये फ्लेवर है बेरी. इसमें अब और भी फ्लेवर्स आ गए हैं, बट जिस टाइम मैंने इसको बाय किया था उस टाइम पे सिर्फ इसमें यही एक फ्लेवर अवेलेबल था. लाइक और भी जो लिप बाम्स होते हैं वो आपके लिप्स पे मॉइस्चराइज तो करते हैं वो आपके लिप्स को, बट वो एक स्टिकनेस फील होती है आपके लिप्स पे. ऐसा लगता है जैसे कि कुछ चिपका चिपका लाइक जैसे, और मुझे तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैं बहुत मुझे जल्दी कोई लिप बाम जल्दी पसंद नहीं आता. बट ट्रस्ट मी गाइस, जब से मैंने ये वाला यूज़ किया है लैनेज का, आई नो ये थोड़ा कॉस्टली है, बट इसका आई गेस मिनी भी आता है वो कि 500 के बीच में है. एंड ये बड़ा वाला मेरे ख्याल से मैंने लिया था 1100 या 1200 के आसपास, मुझे एग्जैक्टली MRP इसका याद नहीं है. तो आप ये वाला एक बार यूज़ करके देखिए, ये सर्दी हो गर्मियाँ हो या विंटर्स हो, आप किसी भी सीज़न में इसको यूज़ कर सकते हो और आपके लिप्स पे आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपने कोई भी लिप बाम अप्लाई किया है. ये बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करता है एंड जो लिप्स हैं आपके 4 से 5 घंटे तक अच्छे से मॉइस्चराइज़ रहते हैं. तो मेरा दूसरा प्रोडक्ट है वो है नायका का फेशियल सीरम, ये देख सकते हैं आप. ये नायका का स्किन पोशन 24 के गोल्ड सीरम है, फेशियल सीरम. लाइक फेशियल सीरम मैंने और भी यूज़ किए हैं, मेरे पास गुड वाइब्स का है, मेरे पास ईस्टर लॉडर का है, पर ये वाला बहुत ही अच्छा है और इसको आप सर्दियों और गर्मियों दोनों में यूज़ कर सकते हैं. और ये जो स्टिकनेस महसूस होती है ना फेस पे, स्पेशली गर्मियों में, गर्मियों में तो फेस बहुत ज़्यादा ऑयली लगता है, पर इसको आप लगा सकते हैं. आप इसको एज अ नाइट सीरम भी यूज़ कर सकते हैं, अंडर मेकअप भी यूज़ कर सकते हैं, और ऐसा नहीं महसूस होगा आपको कि आपने कोई फेशियल ऑयल यूज़ किया है. ये विद इन ग्लो जो कह सकते हैं ना, जो अंदर से ग्लो जो फेस पर आता है, इसको अप्लाई करने से वो ग्लो मुझे मेरे फेस पर महसूस होता है. इसका जो MRP है वो मैं आपको बता दूँ, इसका MRP अराउंड 1000 कुछ 999 है. जो मेरा थर्ड प्रोडक्ट है वो है हाइलाइटर. हाइलाइटर मुझे मेकअप का बेस्ट पार्ट लगता है एंड मुझे मेरे पूरे फेस पर ही हाइलाइटर बहुत पसंद है. मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड के हाइलाइटर्स हैं, लाइक मेरे पास और भी काफ़ी सारे हाइलाइटर्स हैं. मेरे पास मेकअप रेवोल्यूशन का है, मेरे पास फेजेस का है, मेरे पास नायका का है, और मेरे पास एक और हाइलाइटर है, मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा. रूबी ऑर्गेनिक का मेरे पास हाइलाइटर है, क्रीमी, जो क्रीमी होता है. पर जब से मैंने ये वाला अप्लाई किया है, देख सकते हो आप, ये फेजेस का हाइलाइटर है और मैं आपको उसका स्वैच दिखा देती हूँ. ये देखिए, शायद आपको दिख रहा होगा कैमरा में, ये जो हाइलाइटर है मैं कह सकती हूँ ये इतना प्यारा हाइलाइटर है. लाइक आप इसको यहाँ एंड यहाँ जो अप्लाई करोगे, मुझे वैसे हाइलाइटर पूरे फेस पर ही अच्छा लगता है, पर जब से मैंने ये वाला हाइलाइटर यूज़ किया, ना तो मैं अपना नायका का हाइलाइटर लगाती हूँ, ना मैं अपना मेकअप रेवोल्यूशन का लगाती हूँ, ना मैं अपना ऑर्गेनिक मैंने अभी जल्दी रूबी ऑर्गेनिक मैंने अभी रिसेंटली ख़रीदा है. अभी मुझे उसका रिव्यू नहीं पता कि वो किस तरह, मतलब किस तरह का हाइलाइटर है. अभी मैं जैसे जैसे उसको यूज़ करूँगी वैसे अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूँगी. बाकी मेरा ये ऑल टाइम फेवरेट हाइलाइटर है, मुझे कहीं पर भी जाना होता है, लाइक शादी में, दिन में, कहीं पर भी जाना होता है, मैं यही वाला हाइलाइटर यूज़ करती हूँ अपना. जो मेरा फोर्थ प्रोडक्ट है वो है एक ब्लशर. मुझे क्रीमी ब्लशर पसंद है, मुझे जो पाउडरी ब्लशर आते हैं वो मुझे नहीं पसंद आते. जो पाउडर ब्लशर होते हैं मुझे ऐसा लगता है वो टेक्सचर स्किन में टेक्सचर नज़र आता है उनसे, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मुझे कोई क्रीमी ब्लशर हो तो मैं वही यूज़ करूँ. और जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया में जो क्रीमी ब्लशर हैं वो बहुत कम ही आते हैं, और जो आते भी आई गेस उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती. तो मैंने बहुत सर्च किया और सर्च करने के बाद मुझे ये वाला कह सकते हैं आप, ये पैक का आप देख सकते हो मैंने कितना ज़्यादा इसको यूज़ किया है, क्योंकि मोस्टली मैं यही एक ब्लशर यूज़ करती हूँ. इट्स अ शेड नंबर इज़ 03 और ये पिंक कलर का ब्लशर है. ये ब्लशर एंड हाइलाइटर दोनों ही आप इसको कह सकते हो. अगर आपको हाइलाइटर अप्लाई नहीं करना तो आप इस ब्लशर को यूज़ करोगे तब भी आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आपने हाइलाइटर यूज़ किया होगा. ये पिंक कलर का है और ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा इसका आप कह सकते हो इसका कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, ये पाउडरी फील नहीं होता, ये स्किन में एकदम मेल्ट हो जाता है. तो ये मेरा फोर्थ प्रोडक्ट है. द लास्ट वन इज़ शुगर की लिपस्टिक है, शुगर की ये मैट क्रेयॉन है. द शेड नंबर इज़ प्रिंसेस पीच 09 और ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट लिपस्टिक है गाइज. आप यकीन नहीं करोगे, इसका कलर इतना, आप देख सकते हो इसका कैप एग्जैक्टली ये सेम यही कलर का है और
बहुत ही प्यारा कलर है, मतलब आप इसको अप्लाई करोगे, आप इसको डे में भी यूज़ कर सकते हो, नाइट में भी यूज़ कर सकते हो। ये एक न्यूड कलर है, पीचस न्यूड कलर है, और ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट लिपस्टिक है। मेरे को डार्क लिपस्टिक बिल्कुल नहीं पसंद, मैं डार्क लिपस्टिक नहीं लगाती। तो अगर मुझे कहीं शादी में जाना होता है तो मैं क्या करती हूँ, इसी के साथ कोई डार्क लिपस्टिक का शेड जो मिक्स कर लेती हूँ, जो कि बहुत अच्छा शेड आता है। एंड ये ट्रांसफ़र प्रूफ तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि ट्रांसफ़र होती है ये, बट ये आपके लिप्स पे को ड्राई नहीं करती, आपके लिप्स को मॉइस्चराइज़ करती है, एंड आपको महसूस नहीं होगा कि आपने कोई लिपस्टिक वेयर की हुई है अपने लिपस्टिक लिप्स पे। तो यही थे मेरे 5 प्रोडक्ट्स जो कि मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये हैं वो 5 प्रोडक्ट्स जो कि मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं। मुझे कहीं पर भी जाना होता है मैं बस इनको अपने बैग में डालती हूँ एंड गॉट टू गो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।